हम बेझिझक जवाब देंगे, बेझिझक देंगे कि हम दो लड़के एक साथ वैलेंटाइन डे क्यों मना रहे हैं आज। हाँ, पूछो। सबसे पहला, अरे बाप रे कैसे सवाल है। सबसे पहला मुझे मेरा याद है, मैंने शिवानी झा के साथ ही मनाया था उसके, मैं 100% श्योर हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ स्कूल लाइफ में, स्कूल लाइफ या स्कूल टाइम जो भी बोलेंगे, तब मैंने शायद पहली बार वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था। लवली, ओ भाई ये मुझे याद है, क्योंकि मेरे को बड़ी डांट पड़ी थी जब मैं 8th क्लास में था, तो किसी लड़की ने लिख के लेटर और डाल दिया था, और उसने लिखा था एन। पूरी क्लास में 18 बच्चे थे और एन नाम से एक ही लड़की थी। तो फिर मेरे मॉम डैड उसके घर पे गए, उनको समझाया कि यार अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा ऐसा ये सिचुएशन हुई थी जब मैं 8th में था। मेरे को तो पहला शिवानी झा ने ही दिया था लव लेटर, और किसी से मुझे कभी मिला नहीं। इसकी सुबह दिन रात शाम शिवानी झा। मुझे तो कभी नहीं मिला, मुझे अच्छा चाहिए भी क्या कि मतलब हम किसी और, बहुत सारे यार मतलब हम डिजर्व करते हैं इसका, तो चलो ठीक है क्योंकि ये हैप्पीली कमिटेड है। बट सरप्राइजेस मिलते हैं यार, हम मतलब कम थोड़ना है। हाँ, और रणदीप अभी इस ओपन है सरप्राइजेस के लिए, तो आप ढेर सारे दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं ओपन हूँ यार, प्लीज ओपन टू ऑल। मुझे ये मैसेज सारी लड़कियों को है हमारी तरफ से कि प्लीज प्लीज। इस बार हम शूट पे होंगे, हम शूट पे होंगे तो इस बार जो भी है वो भी अपने आप में एक अलग वो है, क्योंकि हमारा शो भी लव स्टोरी है कहीं ना कहीं। हम सब एक, ये पीयू से प्यार करता है, मैं प्राची से प्यार करता हूँ, तो अच्छी बात है कि हम काम पे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि वो दोनों, उनका कभी किसी का पैकअप हो गया होता है, कभी कोई लेट होता है, हम दोनों ही ऑन टाइम, हम दोनों ऑन टाइम रहते हैं, हम दोनों एक साथ ही होते हैं, 12 घंटे होते हैं हम सेट पे, तो हम साथ ही मनाएंगे यार। मेरा फ्रैंकली मुझे ऐसा लग रहा है कि शूट होगा 100%, पर 100% शूट है हमारा, और उनका भी शो चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर पैकअप शिवानी झा का शो चल रहा है, और पैकअप के बाद थोड़ा डिनर जाएंगे। कैंडल लाइट दिखने में लगता है यार, रियलिटी अलग होती है शायद, बहुत अलग होती है। मुझे लग रहा है मूवी के लिए भी जा सकते हैं हम, बड़ा कैजुअल होता है रियल लाइफ में, वो सिर्फ दिखने में लगता रहे वाओ कैंडल लाइट डिनर हो रहा है और जो भी चीज़ें होती हैं, पर हाँ 1-2 घंटे स्पेंड करें, पर करेंगे ज़रूर। हम पूरा वैलेंटाइंस वीक बनाते हैं, तो रोज़ डे पे रोजेस दोनों तरफ से होते हैं, टेडीज जाते हैं, सब कुछ होता है। रात को भाई फुल खर्चा, कोई खर्चा नहीं है इसमें। नहीं, टेडी बेयर कितने का आता है यार, रोज का। हाँ, 100 रुपए वाला नहीं देता मैं, मुझे घर में रहना है। जमाने गए 100 रुपए वाले, तो हम दोनों एक दूसरे को सरप्राइज करते रहते हैं। इजहार नहीं, इजहार एक तरफा प्यार की ताकत, एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है, वो बाकी लोगों की तरह दो लोगों में नहीं बटती, नहीं बटता, वो एक ही तरफा रहता तो है। तो हम इजहार इजहार नहीं करेंगे अभी, हम बस एंजॉय करेंगे उस एक तरफा प्यार की फीलिंग को। फीलिंग हाँ बिल्कुल, मेरे साथ तो हुआ है, इसके साथ भी हुआ होगा। क्या हुआ? मेरे साथ शिवानी मेरे साथ भी हुआ है यार, मतलब कभी कभार आप डर जाते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता आप रिएक्ट कैसे करो, बट वो उन लोगों का प्यार जाहिर करने का तरीका होता है, विच इज़ टोटली फेयर। और वैसे भी किसी ने कहा है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो मेरे साथ हुआ है, उन दिनों के टाइम पे हुआ था, एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है। अभी इसको याद नहीं है, 2-3 या 6-7 बार भी हो सकता है, इसीलिए अच्छी बात है यार, मतलब आप अगर शिवानी छोड़ के कभी, अरे नहीं ए भाई, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, कभी नहीं छोड़ सकते, शाबाश, ये देखा, ये होता है भाई। हाँ, ऐसे मोमेंट्स हुए हैं कि मॉल्स में किसी ने ऐसे बहुत ज्यादा हक कर लिया, यकीन नहीं आया कि हम खड़े हैं, ऐसा ही हुआ, ऐसा आपको बाकी कुछ नहीं हुआ? हाँ, लड़ाई भी करते हैं। नहीं नहीं, इसलिए तो नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग, वो इस मामले में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वैसे ऐसे वैसे देखे ना तो फिर होना भी चाहिए लड़कियों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लाइफ इजी हो जाती है, इजी हो जाती है, मेरी वाली बहुत, और लड़कों को भी उतने अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एक्टर, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारी ऊपर होना चाहिए। ए भाई, ए लिसन, क्या बात, मुझे बताओ कौन सी, वो उन दिनों की बात है, अफवाहें जो भी थी खत्म हो चुकी हैं, उस पर तेल मिट्टी पानी सब पड़ चुका है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट अफवाहें, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी, द रियलिटी, और रियलिटी अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आई एम सिंगल, आई एम हैप्पीली सिंगल, एंड मैं हमेशा सिंगल था, मतलब हमेशा नहीं, मतलब अफवाहों से पहले, अफवाहों से पहले भी सिंगल था, अफवाहों के बाद भी सिंगल हूँ।
मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, अगर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं, 15 को कर लेना, 16 को कर लेना, तो मनी स्पेंड कर लीजिए एक्चुअली में, है ना। तो अच्छी बात है यार, प्यार बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और अगर आप किसी प्यार करते हो तो प्लीज़ जाहिर करिए, और प्यार जाहिर करने से शायद आप भी हल्के हो जाओगे, मतलब हल्के एज इन वेट। तो जिससे भी प्यार करते हो, अच्छा दिन होता है यार, मतलब साल में एक बार आता है, तो प्लीज़ अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जाके जाहिर कीजिए, और आई एम श्योर अगर वो भी आपसे प्यार करते होंगे या होंगी, और अगर चप्पल जूते पड़ जाए तो मना कर देना, तो हाँ, और तो वो बात दबा देना, कुछ वही नहीं यार, खत्म बात।